में से हम भी एक है, 140 करोड़ जनसंख्या का हिस्सा हम भी है, पर हम डेफिनेटली ये चाहते हैं कि भारत की पहचान हो तो सिर्फ और सिर्फ संविधान से हो। अगर तो मैं बात करूँ तो युवा बेरोजगार को इस बात से बिल्कुल भी मतलब नहीं है, एक रत्ती मतलब नहीं है कि वहाँ पर राम मंदिर बने या कुछ और मंदिर बने। इस बात से मतलब है कि हम लोग शिक्षित हैं और हमें रोजगार चाहिए, और हमारी पहचान जो है पुरुष प्रधान भारत से है। इसे अगर महिला प्रधान कर दिया जाए तो ये मेरा विचार है, हो सकता है आपका कुछ और हो। तो इस बात पर ये बात थी कि हर कोई अपनी बातों को स्वतंत्र तरीके से रख सकता है, अपनी अपनी इच्छा है, अपने अपने विचार रखने की, लेकिन हम इस बात को डंके की चोट पर कहते हैं कि भारत की जो पहचान होगी सिर्फ संविधान के आधार पर होगी, और आर्टिकल नंबर 25 हमारे लिए सर्वमान्य है कि व्यक्ति को हर धर्म की चूज करने की यहाँ पर स्वतंत्रता है। तो क्या चाहता है, बट होता वही है जो मेजोरिटी चाहती है, और भारत के हर दूसरे नागरिक का अधिकार बनता है कि वो अपनी बातों को रखे। उसी में से हम भी एक है, 140 करोड़ जनसंख्या का हिस्सा हम भी है, पर हम डेफिनेटली ये चाहते हैं कि भारत की पहचान हो तो सिर्फ और सिर्फ संविधान से हो, और बाबा साहब के द्वारा लिखी गई संविधान। उत्तराखंड में बड़े पैमाने पर विरोध चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, युवाओं का विरोध चल रहा है, मैं भी उस विरोध में शामिल थी, और आज गोलमेज सम्मेलन था तो यहाँ पर भी आना जरूरी था, क्योंकि जिन बाबा साहब का हम अपने जीवन में उदाहरण देते हैं तो उन बाबा साहब ने अपने जीवन में एक हमें ये भी सीख दी थी कि अपने कितने ही निजी काम क्यों ना हो, लेकिन समाज हित में जब भी आवाज उठाई जा रही हो तो उसे हमेशा प्रेफरेंस देनी चाहिए। तो इसी प्रकार से मेरा भी कल एग्जाम है, लेकिन फिर भी मैं आज आप लोगों के बीच में यहाँ पर हूँ। और उत्तराखंड में जो इशू है वो सिर्फ इतनी सी बात है कि उत्तराखंड में कई सारी परीक्षाएं हुई, और जो परीक्षा होने के बाद 2-3 दिन बाद पता चलता है कि परीक्षा लीक हो गई है। तो ये कैसा इन्होंने, कैसा इनका सिस्टम है जो परीक्षाएं लीक हो जाती है, बच्चा भरोसा करे तो किस पर करे? इनके लिए बहुत आसान होता है कि इस बात को कह देना कि अब दोबारा परीक्षा होगी, बहुत आसान होता है कि 1-2-3 साल बाद परीक्षाएं निकली, लेकिन कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जो बिल्कुल एज पर होते हैं, उनकी जो उम्र होती है वो बिल्कुल लास्ट एंड पर होती है, और वो उस भीड़ से अलग हो जाती है। ये मुद्दा नहीं बनता ना मीडिया, मीडिया में बड़ा मुद्दा बनता है कि राम मंदिर कब तैयार हो रहा है, 2024 में कब। देखिए, युवा बेरोजगारों की अगर मैं बात करूं तो युवा बेरोजगार को इस बात से बिल्कुल भी मतलब नहीं है, एक रत्ती मतलब नहीं है कि वहाँ पर राम मंदिर बने या कुछ और मंदिर बने। इस बात से मतलब है कि हम लोग शिक्षित हैं और हमें रोजगार चाहिए, और आपके चैनल के नाम से मैं आग्रह करना चाहूँगी माननीय प्रधानमंत्री महोदय से, राष्ट्रपति महोदय से, और सीएम पुष्कर सिंह धामी जी से कि युवाओं की परेशानियों को समझे। हर कोई बहुत सक्षम परिवार से नहीं होता है। मैं अगर अपनी बात करूं तो किसी एग्जाम को देने के लिए बच्चा जाता है, किराया लगाता है, वहाँ स्टे करता है, बहुत सारे अन्य खर्चे हो जाते हैं, और आपके लिए बहुत आसानी होती है इस बात को कहना कि परीक्षा लीक होगी। इस समय नया ट्रेंड फॉलो किया गया है कि आपकी यूटीसी की बसेस जो है वो फ्री कर दी गई है, लेकिन सिर्फ बसेस फ्री करने से कुछ नहीं होता है। तो ये एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि आने वाला जो भविष्य है वो सिर्फ युवा है, और पढ़ा लिखा युवा अगर पकोड़े तल रहा होगा तो ये कोई भारत की शोभा के बिल्कुल ये भारत को शोभा नहीं। तो निर्भर है ना, देखिए मंदिर के नाम पर वोट भी मिल रहा है। क्या मिल रहा है? वोट मिलता है, सरकारें बन रहा है, सरकारें बन रही है, वोट मिल रहा है। देखिए, ये तो अब भारत के लोकतंत्र का हिस्सा है कि सरकार ने बनना ही बनना है, लेकिन सरकार बने और बिगड़े ये पूरे जनता के हाथ में। जिस प्रकार से युवा आक्रोशित है तो इसका जवाब सरकार को जरूर देखने को मिलेगा, और बहुत जल्दी देखने। कहा जा रहा है जितने भी ये हिंदू धर्म ग्रंथ हैं महिला विरोधी हैं, आपने भी जैसे भी अभी कहा कि महिलाओं को भी ऐसे कहा जा रहा है। नहीं, मैंने ये नहीं कहा है कि सभी धर्म ग्रंथ हिंदू विरोधी हैं, महिला विरोधी। हाँ, महिला विरोधी है, ये मैंने बिल्कुल नहीं कहा है, पर मैंने ये कहा है कि भारत की पहचान जो है पुरुष प्रधान भारत से है। इसे अगर महिला प्रधान कर दिया जाए तो ये मेरा विचार है, हो सकता है आपका कुछ और हो। तो इस बात पर ये बात थी कि हर कोई अपनी बातों को स्वतंत्र तरीके से रख सकता है, वो डिपेंड करता है क्या आगे फॉलो। ये पिछले नेता जो कह रहे हैं कि हम हिंदू नहीं हम शूद्र हैं, तो क्या बदलाव आ रहा है क्या? हाँ बिल्कुल, बदलाव आएगा, और ये जरूरी भी है कि आप अपनी पहचान के साथ जिए। अगर हम जनरली ये देखा जाता है कि लोग शहरों में आ जाते हैं और अपनी जातियों को बदल देते हैं, और तब इस नारे को देते हैं कि शहरों में जातिवाद नहीं है। जातिवाद का तो पता तब चलेगा जब आप अपनी वास्तविकता के साथ जिएंगे। आप शहरों में आते हैं, अपने कास्ट को बदल देते हैं, तो इसलिए आपको उस बात की जानकारी नहीं है, पर गांव में जाए जहां उनके पूर्वज वहीं से बिलोंग कर रहे हैं, उनको इस बात का सामना करना। जातीय जनगणना हो रही है ना, आप देखिए। हाँ, जाति जनगणना हो रही है, अभी तक तो इसकी कोई ऐसी पुख्ता खबर नहीं आएगी, भारत में भी हो रही है, मैं बता रही हूँ।
भारत की इसकी कोई पुख्ता खबर नहीं आई है, बिहार में हो रही है, तो ये बहुत ही अच्छा बिहार सरकार ने ये निर्णय लिया है और इसे पूरे भारत में लागू होना चाहिए। और जैसे कि हमारे डॉक्टर उदित राज और डॉक्टर ओम सुधर जी हमेशा इस बात को कहते हैं कि हमेशा हम इस बात की अपेक्षा करते हैं कि जितनी हमारी भागीदारी है, जितनी हमारी जनसंख्या है, उतनी हमारी भागीदारी जाति का जहर फैलेगा, जाति जनगणना से देखिए। नहीं, अगर इससे जाति का जहर फैलेगा तो आज से पहले क्यों नहीं फैला? जब आज से पहले जो ब्राह्मण वर्ग था और जो उच्च कोटि का वर्ग अपने आप को कहते हैं, तब ऐसा क्यों नहीं महसूस हुआ कि जाति का जहर फैलाया जा रहा है, कि आप दूसरे व्यक्ति को बहुत सारे संसाधनों से आप वंचित रख रहे हैं, तब ऐसा ख्याल क्यों नहीं आया? तब तो जहर जीवित था। जाति विहीन समाज बनाने की बात हो रही है। बिल्कुल, जाति विहीन बननी चाहिए ना, पर जाति विहीन जनगणना क्यों? जाति विहीन तब बननी चाहिए कि जब केदारनाथ और बद्रीनाथ के मठ पर कोई वाल्मीकि समाज का कोई व्यक्ति। मैम, जाति छोड़िए, अब हिंदू राष्ट्र बनेगा भारत, हिंदू राष्ट्र बनेगा। देखिए सर, सबकी अपनी अपनी इच्छा है, अपने अपने विचार रखने की, लेकिन हम इस बात को डंगे की चोट पर कहते हैं कि भारत की जो पहचान होगी सिर्फ संविधान के आधार पर होगी, और आर्टिकल नंबर 25 हमारे लिए सर्वमान्य है कि व्यक्ति को हर धर्म की चूज करने की यहाँ पर स्वतंत्रता है। तो डेफिनेटली हम तो इस बात को मानते हैं, और मैं तो हमेशा ये बात कहती हूँ कि जिस प्रकार से आपने भी दोबारा से बीच में पंच किया हिंदू राष्ट्र, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी हिंदू राष्ट्र की अगर आप बात करें तो आपकी क्या ख्याल है एपीजे अब्दुल कलाम साहब के साथ? मतलब उनकी तो जब भी आप छवि देखते होंगे तो आपको तो सिर्फ एक मुसलमान के सिवाय कुछ नजर नहीं आता। कथावाचक कह रहे हैं विश्वगुरु इसी रास्ते से बनेगा, कथावाचक जितने हैं। जब आपने कथावाचक का जिक्र ही किया है तो उनका नाम ही बता दीजिए। धीरेन्द्र शास्त्री कह रहे हैं, धीरेन्द्र शास्त्री जी तो आज के डेट में चमत्कारी। तो अगर आप कभी जाएं और उनसे इंटरव्यू लें तो मेरा भी एक उनसे एक सवाल है कि जोशीमठ में अभी बड़ी आपदा आई है, जोशीमठ चमोली जनपद में है, तो वहाँ कभी वो कुछ बता दे कि वो कैसे सुलझेगा? अभी आपने देखा होगा कि भूत निकालते हैं, वो भूत परे नहीं, भूत निकालते हैं तो जो ज्ञानी है तो वो तो हर चीज बता सकता है ना, वो आगे और पीछे सब कुछ बता सकते हैं। तो भारत को तो अब कष्ट विहीन हो जाना चाहिए। लोग उनका ज्ञान कहाँ चलने दे रहे हैं, अम्बेडकरवादी नए नए तर्क ले रहे हैं। हम अम्बेडकरवादी है ना, हम तो विज्ञानवाद सोच के हैं, हम तो इस पाखंड को बिल्कुल मानते ही नहीं है। ये तो यही तो हमारी पहचान है, दिव्य शक्ति है सनातन धर्म की। तो यही तो मैं भी आपको कह रही हूँ कि दिव्य शक्ति है। तो जोशीमठ का केस है, ऐसे तमाम इतनी सारी एट्रोसिटीज हो रही हैं, ऐसा विश्व ज्ञानी व्यक्ति अगर हमारे पास है तो उन्हें बिल्कुल संरक्षित रूप से रखना चाहिए और आने वाली हर समस्याओं का हल उन्हीं से पूछना चाहिए, और अगर वो जवाब देने में असमर्थ रहे तो उनको फिर दोबारा जवाब देने उसके लिए अर्जी लगानी पड़ती है, उनके दरबार में जाना पड़ता है। बिल्कुल लगानी चाहिए, मोदी जी को सबसे पहले उन्हीं की शरण में जाना चाहिए। अभी जो हमारे उत्तराखंड के युवा बेरोजगार है उनसे भी आग्रह किया जाएगा कि वहीं जाकर अर्जी लगाइए। हमारे यहाँ ये आपने जो पाखंड की बात कही है तो इस चीज का कहते ना कि पहाड़ी राज्यों में बहुत ज्यादा होता है, तो बिल्कुल हम लोग भी चाहेंगे कि मैं अपने युवा साथियों को इस बात का सुझाव दूंगी कि वो विश्व गुरु के पास जाने की आवश्यकता है। वहां से जरूर हमें यूपीएससी पीसीएस सारे के सारे प्रश्न पत्रों का जितनी भी हमारी समस्या है सब हल वहीं से मिलेगा। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।